कहते हैं संघर्ष करने वाला ही जानता है कि उसे मंजिल आखिर कैसे मिले। ऐसे लोग संघर्ष और मेहनत को अच्छे से पहचानते हैं। ग्वालियर के डीएसपी संतोष पटेल इन्हीं में से एक हैं। अक्सर संतोष पटेल सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। उन्होंने पुलिस की एक अलग ही छवि लोगों के सामने पेश की है। बेहद ही सिंपल जीवन जीने वाले संतोष पटेल पुलिसिंग का एक ऐसा उदाहरण पेश कर रहे हैं जिससे लोगों में पुलिस के प्रति डर कम और भरोसा लगातार बढ़ता जा रहा है। अक्सर संतोष पटेल लोगों की मदद करते दिखाई देते हैं, खासकर बच्चों से वो काफी स्नेह करते हैं। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वीडियो में संतोष पटेल अपनी ड्यूटी के दौरान गाड़ी में कुछ साथियों के साथ जा रहे थे। संतोष पटेल घर से ही सोचकर निकलते हैं कि आज उन्हें जन कल्याण के लिए कोई ना कोई काम जरूर करना है। इस बार उन्होंने केंद्र सरकार की योजना स्कूल चले हम के तहत बच्चों को नई जिंदगी दी, जो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए लकड़ियां लेकर जा रहे थे। वो पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन ये उनकी मजबूरी है कि इस उम्र में भी उन्हें कुछ जिम्मेदारियां निभानी पड़ रही हैं। रोजाना की तरह ही संतोष पटेल अपनी ड्यूटी पर निकले। इस दौरान उन्हें लकड़ियां ले जाते हुए ये दो बच्चे दिखाई दिए। ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, यहाँ आदिवासी वर्ग के, जिन्होंने इस उम्र में देखो लकड़ी ला रहे हैं जंगल से। सुबह स्कूल चलो हम अभियान चल रहा है, स्कूल जाने का समय, चूंकि ये कुछ परिस्थितियां जो भी हो, स्कूल छोड़कर ये जंगल जा रहे हैं, कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी ला रहे हैं। आज इनके लिए हम कुछ प्रयास करते हैं। रोकना आलो भैया, ए छोटू बोझ रख दो बोझ। डीएसपी साहब ने गाड़ी रोकी तो बच्चे पुलिस को देखकर चौंक गए। बच्चों को लगा कि कहीं पुलिस उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे। इसके बाद डीएसपी साहब ने गाड़ी से स्कूल यूनिफॉर्म निकलवाई और बच्चों का मुंह धुलवाया, कपड़े चेंज कराए और बच्चों से कहा कि स्कूल रोजाना जाना है। यही करने जाना चाहिए। पढ़ने से क्या होता है, नौकरी लगती है, नौकरी से गाड़ी मिलती है, पैसा मिलता है, वेतन मिलती है, इज्जत मिलती है। लकड़ी लेने थोड़ी जाना पड़ता है, हम भी बचपन में जाते थे, अब थोड़ी जा रहे। चलो उतारो इसे, पकड़ो बहनो ये फट से, मुझे बढ़िया क्रीम लगाओ, सच के चलना अच्छे से। पहुँच लो पहुँच लो, बाल ऐसे बढ़िया करो, हाथ कंघी कर लेते हो ना हाथ से, तो कहाँ टांगते हैं ऐसे, शहर के लड़के जाते हैं ना ऐसे, देखे हो तुम? अरे बोलो तो, देखे हो? ये रहो तुम्हारे लिए, हम तुम्हें दे रहे हैं। वहाँ खड़े दूसरे बच्चे भी डीएसपी के इस पहल पर मुस्कुरा रहे थे। संतोष पटेल ने इसके बाद बच्चों से कहा कि वो स्कूल जाकर पढ़ाई करेंगे तो एक कामयाब इंसान बनेंगे। ये देखो टिफिन हो गया, कॉपी है, ठीक है, पेन है, किताब है, टांगो कैसे टांगोगे, इधर ला। संतोष पटेल ने गाड़ी में तीनों बच्चों को बिठाया और इसके बाद सभी बच्चों को बिस्किट और नमकीन दिए। इस दौरान वो बच्चों से बातचीत करते भी नजर आए। तुम लोग खाओ, लो नमकीन खाओ, तीनों लोग लो। इसकी गाड़ी में बैठे हो? कभी बैठे हो इसके पहले? नहीं बैठे। पुलिस से डर लगता है क्या? लगता है। अभी भी लग रहा? नहीं अभी डर लग रहा? लग रहा है ना? लग रहा डर क्यों? तुम्हें कितना लग रहा डर? थोड़ा थोड़ा। डर किसको नहीं लग रहा ये बताओ, क्या हमने अभी तक गाली दी क्या तुम्हें, मारा क्या? तो डर क्यों लग रहा फिर? अभी लग रहा डर ये बताओ, हमने तो तुम्हें सजा दिया, कपड़े पहना दिए, बिस्किट खिला रहे, नमकीन, डर लग रहा कि नहीं लग रहा? नहीं। सही बताओ, कहाँ ले जा रहे हम तुम्हें? ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। डीएसपी संतोष सिंह ने लोगों से अपील की कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं और एक कामयाब इंसान बनाएं। मड़ पर थे तो मैंने देखा कि दो आदिवासी बच्चे सर पे लकड़ी का बोझ रखे और कुल्हाड़ी रखे हुए गांव की ओर जा रहे हैं। उनको रोक कर पूछा स्कूल जाते कि नहीं जाते, तो उन्होंने बोला स्कूल नहीं जाते। तो मुझे लगा कि ये पढ़ने की उम्र है और ये जंगल की ओर जा रहे हैं, तो इनको क्यों ना मोटिवेट किया जाए। मेरे पास स्कूल बैग था, यूनिफॉर्म थी, वहीं पर बच्चे को तैयार कराया। और भारत नाम का बच्चा था, उसे प्राइमरी स्कूल लेकर गए, वहां पर जो टीचर थे उनसे मिलवाया और टीचर का नंबर लेकर आया हूं, तो बच्चा भी तैयार है कि डेली स्कूल जाएगा। मैंने एक प्रयास किया पुलिस की ओर से कि यदि एक बच्चा भी प्रतिदिन स्कूल जाने लगेगा और पढ़ लिख कर कुछ सफल हो जाएगा जीवन में, तो मुझे लगता है कि मेरा ये छोटा सा प्रयास हमेशा के लिए सफल हो जाएगा।
और मैं सभी से आग्रह भी करूंगा कि अपने बच्चों को स्कूल डेली भेजें। जैसे हम पौधे की सिंचाई करते हैं, गुड़ाई करते हैं, निंदाई करते हैं, उसी तरह बच्चे को तैयार कर, बिल्कुल कपड़े पहनाकर, बिल्कुल कंघी कर और डेली स्कूल भेजें, और शाम को पूछे कि बेटा क्या पढ़कर आए हो, तभी आपका बच्चा अच्छा विद्यार्थी और अच्छा इंसान बने। संतोष सिंह एक ऐसे डीएसपी हैं जो लगातार चर्चाओं में बने रहते हैं, क्योंकि उनके काम करने का तरीका काफी अलग है। इससे पहले भी ऐसे कई वीडियोस वायरल हो चुके हैं जिन्हें लेकर डीएसपी साहब की खूब तारीफ हुई है। वैसे डीएसपी साहब के इस अंदाज पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।